भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार को जब से आपने अवसर दिया है, गांव, गरीब, महिलाओं, नौजवानों का सशक्तिकरण और सम्मान हमने हमेशा सर्वोपरि रखा है। नीतीश जी की अगुवाई में बीते सालों में एनडीए ने बिहार में इसके लिए सार्थक कदम उठाए हैं। स्थिति चाहे कोरोना काल से पहले की हो या फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान, सभी पर तेजी से काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब कोरोना का संकट देश में आया तो सबसे पहले गांव, गरीब और किसान के बारे में ही हमने प्राथमिकता देकर के कदम उठाए। ये कोरोना का संक्रमण गांव तक ना फैले, इसके लिए सही समय पर लॉकडाउन किया गया, गरीब परिवारों को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। गांव में फसल की कटाई और बुआई चलती रहे, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए गए। भाइयों और बहनों, कटाई और खरीद के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान बुआई के लिए भी किसानों को हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बिहार में भी आपने अनुभव किया होगा कि मुश्किलों के बावजूद बीज और खाद की उपलब्धता कभी भी कमी नहीं होने दी गई, सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त रखी गई। लॉकडाउन के दौरान बिहार के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के जो सैकड़ों करोड़ रुपए पहुंचे, उससे भी उनको बहुत लाभ हुआ। साथियों, बिहार के जो श्रमिक परिवार दूसरे राज्यों से लौटे हैं, उनके राशन से लेकर के रोजगार के लिए इस दौरान गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया है। इसके तहत एक गांव में ही श्रमिक साथियों को रोजगार तो उपलब्ध कराया ही जा रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। अब पूरे देश के लिए एक ही राशन कार्ड बनाया जा रहा है, ताकि देश भर में कहीं भी हमारे श्रमिक साथी अपने हिस्से का राशन ले पाएं।